हेलो गाइस, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ्स का एक तरह से अरिथमेटिक का फंडामेंटल है। दो चैप्टर्स होंगे, हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है परसेंटेज। दूसरा चैप्टर है रेशो का, पहले हम परसेंटेज कवर कर लेंगे। ये एक तरह से फंडामेंटल्स में आता है मैथ्स के। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर एंड सेंटम, यानी सेंटम का मतलब 100, यानी पर 100, यानी 1/100। इसकी नोटेशन है 1/100, यानी 100 पार्ट में उस वैल्यू की कितनी वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू। इसकी नोटेशन है 1/100, ठीक है। परसेंटेज का साइन होता है ये, जैसे हमसे पूछ लिया 5% की वैल्यू बताइए, यानी 5 जो है वो 100 में कितनी वैल्यू रखता है, ठीक है। तो 5% जब पूछेंगे तो 5/100, यानी किसी भी चीज़ की 100 के कंपैरिजन में जो वैल्यू है वो होती है उसकी परसेंटेज। जैसे आपके मार्क्स होंगे 10th 12th या कोई भी क्लास के मार्क्स होंगे, जैसे मान लिया 70% नंबर आए आपके, तो आपके 70% नंबर जो है वो 100 के कंपैरिजन में है, ये 100 के कंपैरिजन में है, यानी 70/100, यानी आपके 100 में से 70 नंबर हैं, ना कि 500 में से या 400 में से या 300 में से, ठीक है। तो 100 के कंपैरिजन में जो भी नंबर होगा वो होगा हमारा परसेंटेज। इसकी नोटेशन हमने पता कर ली, नोटेशन क्या है इसकी, 1/100, यानी जब भी परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे कि बोलेगा 50% की वैल्यू बताइए, यानी 50% की वैल्यू कैसे बताएंगे, 50/100, तो काट लेंगे ऊपर नीचे 1/2, 50 से कॉमन कट जाएंगे ना, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो 50% को जब कन्वर्ट करना होगा बटे 100 कर देंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए हमसे पूछ लेता 40% की वैल्यू बताइए, तो 40/100, यानी क्या गया, ऊपर नीचे 20 से कॉमन कट रहा है, 2 20 2 40 और 20 5 100, यानी 2/5, यानी 40% की वैल्यू क्या गई, 2/5। इसे क्या बोलते हैं, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन का मतलब टोटल में ये कितना है, ये इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी 5 में 2 पार्ट, टोटल में कितने पार्ट हैं, ऊपर वाले को पार्ट बोलते हैं, नीचे वाले को टोटल बोलते हैं, ये होती है हमारी फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब देखिए हमने सीखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 50% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर हमसे बोल दे कि 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज से जाते हुए डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ गया, 33.33%। कैसे आए, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33 बार जाएगा और पॉइंट लगा के फिर 33 बार जाएगा, ठीक है, 33.33। जैसे बोल दिया 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार, यानी 20% हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है, जैसे हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, इसी मॉल में डिस्काउंट लगा हुआ है कि 500 रुपये जो है डिस्काउंट है, ₹500 डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ ₹2000, यानी 2000 पे 500 का डिस्काउंट है, तो पूछेगा कितने परसेंट डिस्काउंट है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 के कंपैरिजन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 का डिस्काउंट है कितने पे, 2000 पे, ठीक है।
इनटू में क्या करेंगे 100, ये फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट लेंगे, कितना आ गया 20 से 5 बार जाएगा ये, सो 5 × 5 यानी 25%। यानी 500 पे अगर 2000 पे 500 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना परसेंट डिस्काउंट है, 25%। ठीक है, या ऐसे बोल दिया कि हर 15 आदमी में दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो पूछेगा क्रिकेट खेलने वालों का परसेंटेज बताओ, तो क्रिकेट खेलने वालों का परसेंटेज बताओ। तो क्रिकेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पार्ट कितना है इसका, दो पार्ट क्रिकेट खेल रहा है, टोटल पार्ट कितना 15, 2/15, और परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार जाएगा ये 5 से कट जाएगा, ये 20, 40/3 यानी 13 point, कितना आ गया 33, इतना परसेंटेज आ गया। ठीक है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा और काफ़ी प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, काफ़ी सारे चैप्टर्स इससे कवर हो जाते हैं परसेंटेज से, तो आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एक तरह से अरिथमेटिक का बेस है। हम आगे चलते हैं, हमें कौन कौन सी फ्रैक्शन जो है हमें याद करनी है, जो हमें याद रखनी है, ऊपर होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, यानी ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमें ऐसी फ्रैक्शन को याद करना है, उनकी परसेंटेज वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू दोनों आपस में कन्वर्जन याद करने हैं, जो जिनका डिनोमिनेटर को क्या हो, प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद से वन और सेल्फ, या तो खुद से डिवाइड हो जाए या फिर सेल्फ से डिवाइड हो जाए या फिर एक से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, up to 2। अब देखिए 2 जो है या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या फिर एक से डिवाइड हो रहा है, एक से तो सभी संख्या डिवाइड हो जाती है, 3 जो है 3 या तो खुद से डिवाइड हो रहा है या एक से डिवाइड हो रहा है, 5 भी ऐसे ही, 7 भी ऐसे ही, ऐसे 11। तो हमें ऐसी संख्या को फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज का कन्वर्जन याद करना है जिनके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर हो। कंपोजिट नंबर का निकल जाएगा क्योंकि कंपोजिट जो होता है प्राइम का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हमें याद करनी है। देखिए सबसे पहले 1/2, 50%, 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू 50% या 50% परसेंटेज की वैल्यू 1/2। ठीक है, हमें 1/3 याद करनी है, कितना हो गया 33.33%। हमें 1/5 याद करनी है यानी 20%। हमें 1/7 याद करनी है यानी कि कितना हो गया 1/7 14.28%। ये 1/7 की वैल्यू पता है ना कैसे आ रही है, 100 को डिवाइड करें 7 से, तो 14 × 7 = 98 और 0.28 बाद में जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या वैल्यू याद करनी है हमें, 1/7 हो गई, 1/11 हो गई यानी 9.09%। इसके बाद 1/13, 7.69%, 7.69%। इसके बाद 1/17, 5.88%। 17, जब 100 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 17×5 = 85 और 0.88 आएगा लास्ट में। फिर 1/19, कितनी वैल्यू, 5.26%। इसके बाद 1/23, यानी क्या आ गया 4.34%। अब मैंने सिर्फ ये ही क्यों याद करने के लिए बोले कि जो प्राइम है, अब देखिए प्राइम जैसे हम 1/2 का एग्जांपल ले लेते हैं, अब देखिए हमसे बोल दिया 1/2 = 50%,
या तो हमसे बोले 25% की वैल्यू निकालो, 25% की वैल्यू निकालो। अब देखो 50% की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, 25% 50 का आधा है, तो इसका फ्रैक्शन भी आधा हो जाएगा, 1/2 का आधा, यानी क्या हो जाएगा 1/4, यानी 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। 50% आधा है, 50% का आधा है 25%, और 1/2 का आधा हो गया 1/4। ऐसे ही अगर हमें बोल दें कि हमें निकालो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालो, अब हमें पता है 1/2 की वैल्यू है 50%, 1/6 को ऐसे नहीं लिख सकते प्राइम फैक्टर के रूप में, इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3, 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 की वैल्यू क्या है 50%, तो कितनी आ गई 50% का 1/3, यानी 16.66%, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमसे बोल दिया, अब हमें पता है 1/5 की वैल्यू है 20%, हमसे बोल दिया 1/15 की वैल्यू निकालो, तो 1/15 कैसे निकालेंगे, हमें पता है 15 को 5 × 3 प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 1/5 × 1/3, 1/5 की वैल्यू हमें पता है 20%, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20/3, यानी कितनी परसेंट हो गई 6.66%, 6.66%, 20/3 की 6.66%। नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14.28%, हमसे बोल दे 1/28 की वैल्यू बताइए, 1/28 की वैल्यू बताइए, कैसे निकालेंगे, देखिए 1/28 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 1/7 × 1/4, 1/7 की वैल्यू हमें पता है 14.28%, तो 14.28 डिवाइड बाय 4, तो अराउंड 3 कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से परसेंटेज का ज्ञान जो है बाकी चैप्टर्स को समझने में भी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, पर हमें सबसे पहले परसेंटेज को अच्छे से समझ लेना है, हमें कन्वर्जन कैसे करना है, किस तरह से करना है। अब जैसे मान लीजिए हमें पता है 1/10 की वैल्यू 10% है, फ्रैक्शन वैल्यू 10% है, ये कैसे आया मैं आपको समझा चुका हूँ, 100 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 10%। अब हमसे मान लीजिए 3/10 की वैल्यू पूछ रहा है, 3/10, अब हम इस 3 को अलग कर लेंगे, 3 × 1/10, अब हमें पता है 10% 1/10 की वैल्यू 10% है, तो 3 × 10%, यानी कितना गया 30%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बोल दिया 1/16 की वैल्यू बताओ, 1/16 की वैल्यू बताओ, अब हमें पता है 1/2 की वैल्यू पता है हमें, इसे क्या लिख लेंगे 16 को 1/2 × 1/8, 1/2 की वैल्यू कितना है 50% × 8, ठीक, काट लिया ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, 25/4, यानी कि 6.25%। तो हमें इस तरह से अगर प्राइम नंबर्स की जो डिनोमिनेटर हैं प्राइम नंबर्स, उनका अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्जन पता है तो हम बाकियों का आराम से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 1/18, 1/18 का, या तो 1/2 से कर सकते हैं इसका, 1/2 × 1/9 करके, या 1/3 × 1/6 करके। देखो 1/2 वाला आसान रहेगा क्योंकि 50% आया था, कैलकुलेशन आसान है, तो इसे 1/2 की वैल्यू क्या है 50%, 50% × 1/9, यानी 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 9 × 5 = 45, 5 गया 5.55%, ठीक है। तो हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन ये पता होना चाहिए किस तरह से होता है, और हमें ये कुछ वैल्यू याद कर लेनी है जो मैंने आपको बता रखा है पहले, जिनका डिनोमिनेटर क्या है प्राइम नंबर है, वो वैल्यू याद है तो हम कुछ भी परसेंटेज या फ्रैक्शन का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार देखिए नहीं समझ में आता है मैं दोबारा समझा दूँगा, और कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन लिख दूँगा आपको,
वो आपको सोल्व करके बताने हैं उनका परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्सन क्या होगा। और आगे इसी तरह से हमारी वीडियोस के प्यार देते रहिए, और आगे हम नई नई वीडियोस लेके आएंगे, नए नए चैप्टर्स की कोशिश करेंगे कि जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए वो देंगे आपको। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।